नमस्कार बच्चों, 10th क्लास के लिए प्रोबेबिलिटी की जो चैप्टर था, प्रायिकता दो क्लास ले चुके हैं, उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि उसमें तीन क्लास हो, है ना। और दोनों क्लास में भी लगभग एक ही समान टीचिंग हुई थी उसमें, तो आज मैं उसी चैप्टर से, ऐसे चैप्टर तो वही रहेगा जो सांख्यिकी वाला है, उसमें देखते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा सकते हैं, वही क्वेश्चंस कराने की कोशिश करते हैं। सांख्यिकी का जो पार्ट है, उस पार्ट में से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, उनकी एक बार पुनरावृत्ति, क्वेश्चंस कैसे होंगे, कैसे अपन उनको सॉल्व करते हैं, है ना। जैसे बच्चे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लेने की कोशिश करते हैं आपके सामने, तो एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे बता रहा हूं मैं आपको, कि जब माध्य होता है, माध्य में किसी संख्या के माध्य है, ध्यान देना बच्चों, जैसे जैसे मैं बताऊं, 2, 4, 6, 8 एक संख्या ली मैंने, 2, 4 छ आठ, इसका माध्य निकाला। एक बहुत व्यवहारिक चीजें हैं मैं बता रहा हूं आपको, ये 4 लिखा, x बराबर 4 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20/4, और माध्य हो गया 5। इम्पोर्टेंट चीज इसलिए कि बच्चों को इसका नॉलेज नहीं रहता है। बच्चों यदि हम इसमें प्रत्येक संख्या में, मैंने कहा 2 जोड़ दिया, तो माध्य भी 2 बढ़ जाएगा, इसलिए आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि किसी संख्या में लिखा है कि किसी संख्या का माध्य 5 है और प्रत्येक संख्या में 2 की बढ़ोतरी की जाए, तो नया माध्य क्या होगा? तो सीधे सीधे उत्तर लिखोगे कि नया माध्य कितना होगा? 7। बिल्कुल नियम है ये, और मैं आपको करके दिखाता हूं। मैंने क्वेश्चन बोला कि 2, 4, 6, 8 चार संख्याओं का समानांतर माध्य या माध्य 5 है, माध्य 5 है, और प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो नया माध्य क्या होगा? तो चूंकि पुराना माध्य 5 है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ोगे तो नया माध्य 7 हो जाएगा। कैसे लेंगे? माध्य बराबर, समानांतर माध्य बराबर की जगह 4, 4 की जगह 6, 6 की जगह 8, 8 की जगह 10, और फिर बटे 4 करोगे। आप इसको जोड़ लो, 6 और 4 10, 10 8 18, 6 4 10, 10 8 10 20, 20 8 28, 28/4, 4 को भाग दो कितना आएगा? 7 आएगा। तो बिल्कुल ये सत्य है कि मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन हम लोग करते कैसे हैं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं क्वेश्चन, कि दो संख्याओं का मतलब ये ऐसा 2, 4, 6, 8 दिया था, इसका माध्य कितना लिखा मैंने? 5। अभी प्रत्येक में जोड़ोगे, प्रत्येक संख्या में जिसका माध्य 5 है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने पर नया माध्य 9 हो जाएगा, क्योंकि तो इसमें भी 4 जोड़ेगा, तो 5 और 4 9। प्रत्येक संख्या में दो घटाने पर नया माध्य x बराबर बराबर 5 में से 2 हो गया, 3 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना आप जोड़ोगे माध्य उतना बढ़ जाएगा, उसी क्रम में बढ़ जाएगा, और जितना आप घटाओगे माध्य उसी क्रम में क्या होगा? यदि प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा करोगे तो माध्य में भी डबल हो जाएगा,
प्रत्येक संख्या में दो का गुणा करेंगे तो माध्य भी डबल हो जाएगा। ध्यान देना बच्चों, ऐसा है, दो चार छः आठ बटे चार समानांतर माध्य या माध्य समानांतर माफ कर माध्य कितना हुआ इसका, चार पंचे बीस, पांच उत्तर आता है। प्रत्येक में तीन का गुणा करने पर, प्रत्येक में तीन का गुणा करने पर नया माध्य है वो क्या होगा, नया माध्य होगा बिना हल किए पांच गुणा तीन बराबर पंद्रह। तो उत्तर आएगा नया माध्य कितना हो जाएगा, पंद्रह। ये नियम है बच्चों, भाग वाला नियम नहीं है। कोई माध्य दिया है, उस माध्य में यदि हमने दो जोड़ा तो माध्य के उत्तर में दो जोड़ दोगे उत्तर आ जाएगा। कोई माध्य दिया है, प्रत्येक माध्य में दो घटाया, प्रत्येक संख्या में दो घटाया तो जो मेरा उत्तर आएगा उसमें भी आप दो कम करके लिख दोगे। बिल्कुल ध्यान रखना, दो कम करके लिख दोगे। और इसी प्रकार कोई माध्य है उसमें किसी संख्या का गुणा करें प्रत्येक संख्या में तो माध्य में भी उस संख्या का गुणा हो जाएगा, उत्तर डायरेक्ट आ जाएगा। आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ये बिल्कुल नियम है कि माध्य जितना जोड़ा जाता है, जितना घटाया जाता है, जितना गुणा किया जाता है, माध्य भी उसी क्रम में जोड़ने घटाने और गुणा करने से नया माध्य प्राप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन है, ये आते हैं एग्जाम में और ट्रिक है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये करते रहते हैं, भूल जाते हैं कि क्या होगा, पर आप इसको याद रखें। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्स कॉमा एक्स प्लस टू कॉमा एक्स प्लस फोर एक्स कॉमा एक्स प्लस टू कॉमा एक्स प्लस फोर कॉमा एक्स प्लस सिक्स कॉमा एक्स प्लस एट, वन टू थ्री फोर फाइव, इनका माध्य लिखा है 11 है, तो नई संख्या ज्ञात करो। तो नई संख्या x ज्ञात करो, नई संख्या या संख्या बोले x ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में है, बुक का क्वेश्चन है बेटा, एक दो तीन चार और पांच, मीन बराबर सिग्मा एक्स बटे एन, मीन की जगह 11 लिख एक्स कॉमा एक्स प्लस टू कॉमा एक्स प्लस फोर कॉमा एक्स प्लस सिक्स कॉमा एक्स प्लस एट अपॉन वन टू थ्री फोर फाइव अपॉन कितना कर देंगे, पांच कर देंगे। पांच का गुणा हो जाएगा 11 पचे पचपन, पांच का गुणा करेंगे बेटा इसमें, और एक दो तीन चार पांच ये जोड़ेंगे तो पांच एक्स, और आठ और चार बारह, बारह तेरह चौदह, चौदह और छह बीस, ये हो जाएगा 20। इसको पचपन में से 20 घटाएंगे, पचपन में से 20 को कम करेंगे बच्चों, पचपन में से 20 को कम करेंगे तो 35 बराबर पांच एक्स, फिर 35 में 5 का भाग देंगे, 5 सत्ते 35, 7 बराबर कितना हो जाएगा x। तो इस क्रम में उत्तर निकल के आएगा 5 सत्ते 35 कितना आ जाएगा, 7 आएगा। x का मान कितना आएगा, 7 आएगा, ये इसका फाइनल आंसर कहलाता है। x का मान करने का तरीका है, 55 में से 20 गया कितना बचेगा 35, और 5 सत्ते 35 x की जगह कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब जैसे है कि 20 के गुणनखंड का माध्य ज्ञात करो, सवाल है 20 के गुणनखंड का माध्य ज्ञात करो बेटा। 20 के जो गुणनखंड होते हैं, मतलब जिसमें जिस जिसका भाग चला जाता है, एक का जाता है, दो का जाता है, चार का जाता है, पांच का जाता है, दस का जाता है और स्वयं 20 का भाग जाता है। इतनी सारी संख्याओं का 20 से भाग जाता है तो जो 20 के गुणनखंड होंगे, एक होगा, दो होगा,
चार है, पांच है, दस है और बीस है। और जब इसका माध्य टोटल एक दो तीन चार पांच और छह संख्या है तो x बार बराबर सिग्मा x बटे n, x बार बराबर इन सबको जोड़ लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 20 अपॉन 1 2 3 4 5 6 6। जब इनको टोटल जोड़ के भाग दोगे तो ये हो जाएगा 42 बटे 6। ये संख्या आएगी 42 बटे 6, 6 सत्ते 42। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस तरीके से सवाल क्या है कि 7 के गुणनखंडों का मान ज्ञात करो, 7 के गुणनखंडों का मान ज्ञात करो। ध्यान देना बच्चों, सवाल क्या है, 7 के गुणनखंडों का मान ज्ञात करो। प्री क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चन होते हैं बेटा, और बहुत बड़ा नंबर नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव में आते हैं क्वेश्चन ऐसे, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, छोटे छोटे एक नंबर के दो नंबर के, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं और आपको करना चाहिए। अब अगला सवाल मैं लेता हूँ बेटा, देखना ध्यान देना, यदि आप कर पा रहे हो तो बिल्कुल क्वेश्चन को करो, यदि कर रहे हो तो क्वेश्चन को करो। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, अगला क्वेश्चन देखें कैसे करते हैं। लिखा है बच्चों कि 20 छात्रों का भार 155 सेंटीमीटर है, बुक का क्वेश्चन है। 20 छात्रों का औसत भार, 20 छात्रों का औसत भार 155 की औसत ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है, पर है ना, तो 20 छात्रों का औसत 155 सेंटीमीटर है, तो फार्मूले से x बार इक्वल टू सिग्मा x बटे n, ये 155 बराबर सिग्मा x बटे 20, और इसका जब इसमें गुणा करोगे तो सिग्मा x इक्वल टू 155 इंटू 20, और सिग्मा x बराबर आ जाएगा गुणा करने पर 3100। तो 20 छात्रों की ऊंचाई कुल 3100 आई है टोटल इसमें। पर अब इसमें क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है क्या बच्चों, कि जो टोटल किया ने, ये जो टोटल किया, ध्यान देना बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कि जो टोटल 3100 है, इस टोटल में 189 हमने यूज किया है, 189 हमने यूज किया है, और गलती से हो गया है, इसकी जगह 149 होना चाहिए था, मतलब ये वाला डिजिट होना चाहिए था और गलती से ये जोड़ गया। इसको हमें जोड़ना था और हमने टोटल करने में 149 को क्या पढ़ लिया, 189 पढ़ लिया, तो हमको नया माध्य ज्ञात करना है। मैं बताऊं कि जो मैंने क्वेश्चन किया उसमें 20 छात्रों की कुल ऊंचाई का योग है 3100 सेंटीमीटर, और ये जो ऊंचाई का योग है उसमें हमने 189 जोड़ लिया है, ये जो ऊंचाई का योग है हमने 189 जोड़ लिया है, और हमको जोड़ना था ये, मैं इसमें साफ साफ लिखता हूँ कि जोड़ना था 189 और जोड़ लिया मैंने, और जोड़ लिया ये, और तो इसका सही माध्य ज्ञात करो। जब सही माध्य की बात करेंगे, सवाल ऐसा है, जब सही माध्य की बात करते हैं, मैंने कहा बुक का सवाल है, मैं दोबारा दोहराता हूँ सवाल को। 20 छात्रों का औसत ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है, x बार इक्वल टू सिग्मा x बटे n, सिग्मा x बटे n की जगह 20 और 20 ये 55, इसका इसमें गुणा कर दोगे तो 3100 आएगा यहाँ पर। अब 3100 में बच्चों जो टोटल है, 3100 में 189 जोड़ा हुआ है, 3100 में 189 इसमें ऑलरेडी है, और गलती से ऐसा हो गया, होना चाहिए था 149, और 149 जोड़ के आपको मीन को करेक्ट करना है, तो देखेंगे कि जो गलती कितने को ही, तो नया योग ऐसा लिखेंगे कि नया योग ये सिग्मा एक्स बराबर 3100 में से 189 घटा दोगे
और 149 जोड़ दोगे 1 दोगे, ये हटा दिया क्योंकि इसको हमको लेना नहीं था और लेना था 149। तो ऐसा करने से घटा के और जोड़ने से, ऐसा करने से जो नया योग है वो हमारा होता है 30 कितना होता है 60, और नया माध्य कितना हो गया, नया माध्य हो जाएगा बेटा, नया माध्य हो जाएगा फार्मूले से एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बटे एन, एक्स बार इक्वल टू 3060/20 और भाग दोगे तो एक्स बार की जगह आ जाएगा यहाँ पे 153 सेंटीमीटर। 153 कितना आएगा सेंटीमीटर, ये सही ऊंचाई आएगी। तो ये सवाल थोड़ा सा अलग हटके सवाल था, अलग हटके सवाल था, और एक क्वेश्चन बुक में एक अलग तरीके से सवाल दिया हुआ, हमको पता है कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। कल से प्री बोर्ड भी स्टार्ट है, मेरी बहुत सारी आपको शुभकामनाएं कि आप अच्छा है ना, पर क्वेश्चन जरूर आप देखते रहना कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। इसके बाद माध्यिका की हम बात करते हैं, माध्य तो माध्य की बात थी, उसके बाद माध्यिका, माध्यिका के बाद हम बहुलक को भी देखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। इसके बाद बहुलक की बात करते हैं कि बहुलक कैसे देखा जाता है। माध्यिका दो प्रकार से निकाली जाती बेटा, माध्यिका में दो तरीके का होता है, एक तो विषम संख्या की माध्यिका और दूसरा सम संख्या की माध्यिका। सम संख्या की माध्यिका कैसे निकालते बच्चों, क्या होता है कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 पांच मैंने संख्याएं लिखी, 2 यहां से निकाल दिया, 2 यहां से निकाल दिया, ये बीच वाली संख्या जो होगी आपकी माध्यिका कहलाएगी, बीच वाली संख्या। इस प्रकार क्रम में 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 ये विषम संख्या है। विषम का मतलब ये 5 जो है विषम संख्या है, विषम संख्या में माध्यिका जो हो जाएगी वो आपकी 3 हो जाएगी यहाँ पे। पर जब हम सम संख्या की बात करते हैं कि सम संख्या की माध्यिका की निकालो, तो सम संख्या में बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने 6 अंक लिए यहाँ पर। जब इसमें बीच के अंक निकालने की बात होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो बड़ा तकलीफ होती कि बीच की बात हम किसको करें, क्योंकि आधा इधर चला जाता है, आधा इधर चला जाता है, आधा इधर गया, आधा इधर गया, तो बीच का बचा क्या। विषम संख्या में तो क्या हुआ, 2 इधर गया, 2 इधर गया, बीच वाले को हमने माध्यिका मान लिया। संख्या में थोड़ा अलग तरीके का यूज होता है, सम संख्या में क्या होता है बच्चों कि माध्यिका होती क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो बीच दो पार्ट्स को लेते हैं, यहाँ पर इस वाले भाग को और इस वाले भाग को, यहाँ पे जो माध्यिका निकलेगी इसकी यहाँ पर 3 और 4 को जोड़ के उसे भाग देंगे तो माध्यिका हो जाएगी 7/2 या उत्तर कितना आएगा 3.5। ये सम और विषम चीजों में अंतर होती है कि सम का कैसे निकालते हैं और विषम संख्या की कैसे माध्यिका फाइंड आउट करते हैं। ये थोड़ा सा एक प्राइमरी मेथड कहलाता है और हमको आना चाहिए, पर इसी को हम सूत्र में रूपांतरित करके देखते हैं तो सूत्र को कैसे याद किया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या सूत्र, फिर इसको हम कैसे सूत्र कैसे अपनी बात को ढालते हैं ये भी आपको आना चाहिए कि माध्यिका सम की कितनी होती है, विषम की कितनी होती है और सूत्र में इसकी क्या उपयोगिता है। विषम संख्या की माध्यिका सूत्र के हिसाब से n+1/2 बी संख्या ये होती बेटा फार्मूला, मतलब माध्यिका का फार्मूला होता है जो हम नंबर ऑफ टर्म लेते हैं n+1/2 tth टर्म कहलाता है, है ना, ये संख्या जो होती है इसकी माध्यिका कहलाती है विषम संख्या की। और सम संख्या की जो माध्यिका होती है
इस तरीके से सम संख्या की परिस्थिति में जो माध्यिका निकाले जाता है वो इस तरीके से ज्ञात होता है बच्चों, n बाय टू प्लस एन बाय टू प्लस वन, ये अलग है बेटा n बाय टू और ये इस दोनों में अंतर, ये पूरे बटे में लिखा जाता है और n बाय टू के बटे में ये पूरा टर्म और बटे टू और ये टीएथ टर्म, ये जो पद आते हैं उन पद की बात होती है, जो पद आते हैं उन पद की बात होती है, सीधे सीधे फार्मूले में रख के नहीं निकाला जाता है, जो पद होते हैं इस पदों को हम इसमें से इंगित करते हैं, उन पदों की बात होती है, उन वो पद के टर्म जो होते हैं वो पद के टर्म क्या कहलाते हैं, पद जो माध्यिका कहलाते हैं उनको हम याद करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है माध्यिका का, मैं और बताता हूँ, क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है 15.35 फिर 18.26 19.29 20 और 27 काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एन यहाँ पे 9 है अर्थात ये विषम संख्या है। और सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने से पहले बच्चों हम सारे क्वेश्चन के टर्म को हम या तो बढ़ते क्रम में जमाते हैं या घटते क्रम में जमाते हैं, अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर या अरेंज्ड इन ऑल द टर्म अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो बढ़ते क्रम में जमाओगे या घटते क्रम में हम इसको जमाएंगे। तो क्रम इस प्रकार होता है 15, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 29 और 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और n बराबर 9, तो माध्यिका हो जाएगा बेटा n प्लस 1 बाय 2, v संख्या tth टर्म कहलाती, संख्या वाला टर्म कहलाता है, n प्लस 1 बाय 2 v संख्या कहलाती है बेटा, तो माध्यिका होगा 9 प्लस 1 बाय 2, 9 और 1 10, 10 का बटे 2, तो ये पांचवी संख्या कहलाएगी, 9 और 1 10 बटे 2 पांचवी संख्या, ये देखो यहाँ 4 इधर निकाला 4 इधर निकाला, ये 25 क्या कहलाएगी, इसकी माध्यिका कहलाएगी, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा। इस तरीके से आप सवाल को नोट डाउन करो, फिर मैं अगला सवाल लेता हूँ। एन प्लस वन बाय टू वी संख्या, एन प्लस वन बाय टू वी संख्या, कुल आप देखोगे, आप सामने स्क्रीन पे देखो, मैं देख के बोल रहा हूँ बेटा, स्क्रीन मेरे सामने है, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29 और 35, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 29 एंड 35, दे आर ऑल 9 टर्म्स, 9 पद हैं। और माध्यिका का फार्मूला होता है जब विषम संख्या होती है तो n प्लस 1 बाय 2 tth टर्म या v संख्या, n की जगह 9 लिखा मैंने, n की जगह 9 लिखा, 9 प्लस 2 10, 10 में 2 का भाग दोगे तो 5, पांचवी संख्या, और पांचवी संख्या का क्रम देखोगे तो पांचवी संख्या का क्रम शुरू से कितने पर है, 25 पे है, पहले पैर चाले शुरू से लो चाहे अंत से लो उत्तर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पांचवी संख्या है वो कितनी है, 25 है, तो माध्यिका कितना आएगा बेटा, 25 आ जाएगा। इसी प्रकार एक हम सम संख्या का सवाल कराते हैं कि सम संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, सम संख्या की माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है बच्चों, आप नोट डाउन करो इसको।
इसके बाद मध्यिका सम अंकों की सम अंक है, मैं लिख रहा हूं 78, 56, 22, 34, 45, 54, 39, 68, 54 और 84. पहले अंक काउंट करते हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है. अब इसको बढ़ते क्रम में लिखने पर एज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में 22, बढ़ते क्रम में बच्चों 22, 34, 22, 34, 39 के बाद 45, 54, 54 के बाद 56, 56 के बाद 68, 54 दो बार है बच्चों, 54, 54 दो बार है, 56, 68, 78 और 84. देना बच्चों, मैं एक बार पुनः क्रम से दोबारा लिखता हूँ, ध्यान देना. 22, 34, 39, 45, 54, 54, 56, 68, 78 और 84. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. बेटा इसमें चार इधर काला और चार इधर निकाला, ये दोनों मध्यिका की टर्म कहलाएंगी. फॉर्मूले के हिसाब से लेना है तो ये n बाय टू, 10 बाय टू, फिफ्थ टर्म पांचवा पद 54 है, 54 है. उसी प्रकार n बाय टू प्लस वन, n बाय टू का मतलब कितना निकल गया, पांच. ये पांच और ये एक, छह, पांच हो चुके, इसका मतलब पांच बेटा. सिक्स टर्म इज आल्सो 54. तो फार्मूला मध्य के बराबर n बाय टू, n बाय टू प्लस वन, टोटल में बाय टू, वी संख्या, टीएथ टर्म कहलाता है, वी संख्या, टीएथ टर्म कहलाता है, वी संख्या कहलाता है बच्चों. तो करेंगे तो n बाय टू का मतलब पांचवा पद, n बाय टू का मतलब छठवां पद बटे दो. मध्यिका बराबर 54 प्लस 54 बाय टू, मध्यिका बराबर 108 बाय टू, और मध्यिका बराबर कितना आ जाएगा 54. मध्यिका फाइनल आंसर कितना दिखाएगा 54. तो एक तरीका होता है, पैटर्न होता है, इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है बच्चों, और यही तरीका है सॉल्व करने का. और ये जो क्वेश्चन है ये विषम सम संख्या है, मतलब जब हम संख्याओं को क्रम में जमाते हैं, जब हम संख्याओं को क्रम में जमाते हैं तो क्रम में जमने के बाद जो कुल संख्या सम होती है, तो हम इस तरीके का फार्मूला यूज करते हैं. तो आपको ये याद रखना, और याद होगा ऐसे कैसे नहीं याद होगा, जनरल क्वेश्चन है, आपको है ना. इसके आधारित हम एक और अच्छा क्वेश्चन बताते हैं, जो कि थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. आप इस क्वेश्चन को नोट करो पहले, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ बच्चों. भैया
क्वेश्चन बच्चों इस प्रकार से है, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर इफ मीडियन इज 69, फाइंड द वैल्यू। मतलब इस तरीके से बेटा कि 59, 62, 65 एन कॉमा एन प्लस 2 कॉमा 72 कॉमा 85 और कॉमा 94, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमने 8 संख्याओं को क्रम में जमाया हुआ है और इनकी माध्यिका 8 संख्याओं को क्रम में जमाने के बाद इनकी माध्यिका 69 है, 69 है, तो n का मान ज्ञात करो। बुक का क्वेश्चन है बच्चों, 8 संख्याओं को क्रम में जमाने पर 8 संख्याओं को क्रम में जमाने पर बढ़ते क्रम, जो बढ़ते क्रम में दिया होगा या घटते क्रम में दिया होगा, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर या अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये दो शब्दों का उपयोग होता है बढ़ते क्रम में जमाने पर या घटते क्रम में जमाने पर, इन्हीं दो चीजों को यूज होता है। सवाल में लिखा है 59, 62, 65 एंड फिर एन प्लस 2, 72, 85, 94, ये बढ़ते क्रम में जमाए गए हैं। इन बढ़ते क्रम में जमाने पर इनकी माध्यिका 69 है, तो दिए गए सवाल में अज्ञात n का मान ज्ञात करो। तो आप देखोगे बच्चों, 1, 2, 3 यहाँ से निकाला, 1, 2, 3 यहाँ से निकाला, ये दो टर्म होंगे, मतलब माध्यिका बराबर होगा 1, 2, 3, 4, चौथे पद का मान पांचवें पद का मान बटे 2, माध्यिका की जगह 69 लिखोगे, चौथा पद n, पांचवा पद n प्लस 2 बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब इसको आप अटेम्प्ट करके सॉल्व करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 69 इंटू 2 और n और n बेटा जुड़ जाएगा तो 2n प्लस 2 और मल्टीप्लाई होके आएगा कि 138 इज इक्वल टू 2n प्लस 2, 138 इज इक्वल टू, बच्चों 138 इज इक्वल टू 2n प्लस 2, 138 माइनस 2 बराबर 2n, 136 बराबर 2n, 136 का 2 इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू सॉल्व 68, n को सॉल्व करने पर कितना आंसर आएगा, 68 आंसर आएगा। इस प्रकार हम इन छोटे छोटे सवालों को करते हैं बच्चों। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम में स्टार्ट होगा इनमें से जरूर कुछ ना कुछ व्यवहारिक क्वेश्चन है और जो आते ही आते क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन जरूर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और हमको बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल मेहनत करके। अब एक अलग से क्वेश्चन ऐसा आता बेटा, ज्यादातर देखा जाता है x और ये f लिखा है, ये 3 है, 6 है, 7 है, 10, 12 और 15, ये बढ़ते क्रम में बेटा 3, 6, 10, 12, 15 और उसके सामने इसकी आवृत्ति लिखी है 3, 4, 13, 2, 10 और 18। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी इसकी 3, इसको जोड़ोगे 7 हो जाएगी, यहाँ पर 13 में 7, 20 और 2 22, 22 और 10 32, 32 और 18 50 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जब हम माध्यिका ज्ञात करते हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो 50 है, 50 हमारे लिए सम संख्या है, 50 जो है ये हमारे लिए सम संख्या कहलाती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो ये कहलाएगी n बाय 2, n बाय 2 50 बाय 2, ये 25 कहलाएगा, 25 कहलाएगा, फिर
एन बाय टू 25 की जगह कितना होगा 26 होगा, तो मध्य इसमें पद का मान 25वें पद का मान प्लस 26वें पद का मान बटे कितना होगा 2, 25वें पद का मान प्लस 26वें पद का मान 2। बच्चों ध्यान देना, 25वां पद कहां पर बिलोंग करेगा, 25वां पद कहां बिलोंग करेगा, ये 1 2 3 4 25वां पद बच्चों यहाँ बिलोंग करेगा, 32 में बिलोंग करेगा, ये 32 के आगे ये रखा है, इस तरीके से ध्यान देना। तो जो मध्यिका होगी, मध्यिका होगी, मध्यिका बराबर 25 जो है वो 22 से बड़ा है, इसलिए 32 संचयी आवृत्ति 32 लिखा है, उसके सामने निशान लगाओगे, 25 भी आता है और 26 भी आता है। मैं बता रहा हूँ 25 का मान है वो 32 में बिलोंग करेगा, 26 का मान भी 32 में बिलोंग करेगा। ये 12 लिखा है मैंने, ये 12 प्लस 12 बटे 2 24 बटे 2 बराबर मध्यिका कितनी आएगी 12। मध्यिका कितनी निकल के आएगी 12 निकल के आएगी। बच्चों ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं ये सही में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप क्वेश्चन आपको बनेंगे, मैं पूरी आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल बनेगा और आप बिल्कुल क्वेश्चंस को करें। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो भी मैंने पढ़ाया तो मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आप अवश्य अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों आज की क्लास में इतना ही, अब विशेष जब रिवीजन क्लास चालू होगी तब पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका मंगलमय।